अनंत चतुर्दशी हर संकट में रक्षा करता है अनंत सूत्र। आइए जाने अनंत चतुर्दशी के बारे में। भाद्रपद महाशुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व श्री भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है, इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। कई जगह इसे चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं और शुभ फल मिलता है। अनंत चतुर्दशी पर अनंत सूत्र पीला धागा बांधना शुभ माना जाता है। इस सूत्र में 14 गांठें होती है। मान्यता के अनुसार इस सूत्र को बांधने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अनंत चतुर्दशी के दिन धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना के लिए व्रत किया जाता है। पौराणिक कथाओं और धर्मशास्त्रों के अनुसार पांडवों ने कौरवों के साथ खेले गए जुए के खेल में सारा धन और वैभव खो दिया था। परिणाम स्वरूप उन्हें 12 वर्षों में के लिए वनवास के लिए जाना पड़ा था। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस कठिन समय से बाहर निकलने का उपाय पूछा। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान अनंत की पूजा एवं व्रत का पालन करें, इससे ही उनकी खोई हुई संपत्ति वैभव और राज वापस मिलेंगे। इस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है। यह 10 दिनों तक मनाया जाने वाला गणेश उत्सव का अंतिम दिन भी होता है। धन्यवाद।